हेलो एवरीवन, इंडियन जीके के अंदर अपना जो है वैदिक काल हो गया था, इसके बाद बौद्ध धर्म ले रहे हैं। ठीक है, जो धार्मिक आंदोलन हुए थे जो देश में, इंडिया देश में, अपने भारत देश में, तो उनमें से एक जो है बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारे धार्मिक आंदोलन में आते हैं। तो अपन जो ले रहे हैं सबसे पहले क्या ले रहे हैं, बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो प्रवर्तक थे, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, कुछ भी बोला आप, दोनों थे गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो इनको गौतम बुद्ध भी बोलते हैं, और अगर बचपन का नाम देखें तो सिद्धार्थ भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा इनका जन्म कहां। नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ, यानी जो ग्राम था, गांव था, लुम्बिनी ग्राम में हुआ, एक ग्राम में हुआ। शाक्य क्षत्रिय थे ये। ये क्या थे, कौन से कुल के थे, शाक्य क्षत्रिय। ठीक है, शाक्य क्षत्रिय कुल के थे, और 1563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म, 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना, सॉरी 563 ईस्वी में। अब देखो इसकी माता का नाम क्या था, महामाया। जब इतना मतलब ज्ञानी बुद्धिमानी होगा तो उनकी माता भी क्या होगी, महान ही होगी। महान से याद कर लेना, महामाया। ठीक है, पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन। ठीक है, पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन, यानी वो मन से धनवान हो गया, शुद्ध हो गया बिल्कुल। ठीक है ना, शुद्ध हो गया तो मन से धनवान हो गया, क्योंकि उसका पुत्र किस तरह मतलब महात्मा बना। ठीक है, फेमस हुआ गौतम बुद्ध, जिसने बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त करी और शिक्षा दी भी सारी लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक बना के याद कर लेना, महामाया और शुद्धोधन। ठीक है, जन्म के सातवें दिन, देखो कितने मतलब सातवें दिन ही माता का क्या हो गया, देहांत हो गया। ठीक है ना, तो देहांत हो गया तो देखो कितनी मुश्किल आई उसको, माँ का भी साथ नहीं मिला। गौतम बुद्ध का जिनका नाम क्या था बचपन में, सिद्धार्थ था। जिनका बचपन में क्या नाम था, सिद्धार्थ था। अब पालन पोषण कौन कर रही है, उनकी मौसी है, मौसी प्रजापति गौतमी। ठीक है, गौतमी नाम है उनका। ठीक है, तो मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, उनकी मौसी थी प्रजापति, उनका कह सकते अपन पद था, गौतमी ने किया। ठीक है ना, जैसे अपन अगर नाम याद करते हैं, गौतम बुद्ध बोलते हैं बुद्ध को, भगवान को, तो गौतम से याद रख लेना, मौसी का नाम भी क्या है, गौतमी है। ठीक है, आगे समझ में। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह किससे हुआ, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ। ठीक है, सिद्ध करता था हर चीज को, इसलिए सिद्धार्थ था नाम उसका बचपन में, हर चीज को सिद्ध कर देता। सिद्धार्थ का विवाह कब हुआ, किससे हुआ, शाक्य कुल की कन्या कौन थी, यशोधरा। ठीक है, यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम भी है, यानी जो बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम कौन सा है, बिंबा है, गोपा है और भदकचना है। बिंबा, गोपा और भदकचना। ठीक है ना, इसका नाम बौद्ध ग्रंथों में, वैसे तो इसका यशोधरा नाम है, पर बौद्ध ग्रंथों में इसका नाम क्या है, बिंबा। ठीक है, गोपा और भदकचना। ठीक है, अब देखो सिद्धार्थ से यशोधरा का एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम क्या था, राहुल। ठीक है, ये राहुल यानी पुत्र कौन था, गौतम पुत्र का पुत्र कौन था, राहुल, यानी सिद्धार्थ का पुत्र कौन था, राहुल। राहुल गांधी नहीं, राहुल। ठीक है ना, गौतम बुद्ध को सांसारिक समस्या से व्यतीत होकर, यानी वो देखकर कि संसार में इतना दुख है और मैं आसानी से जीवन जी रहा हूं, तो ऐसा जीवन मेरा ये काम का नहीं है, जब संसार में इतने लोग दुखी है, उनका दुख का निवारण करना चाहिए, तो मैं क्या, तो वो क्या करता, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देता। अब देखो क्या क्या इसके सामने सांसारिक समस्या आई, तो सबसे पहले उसने देखा कि सबसे पहले कौन आया, बूढ़ा व्यक्ति आया उसके सामने। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति आया, कौन आया, बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, सबसे पहले कौन आया, बूढ़ा व्यक्ति आया। बूढ़ा व्यक्ति को देखा कि ये क्यों परेशान है, वो अपनी अवस्था से परेशान था कि वो बूढ़ा हो गया और परेशान था, तो उसको देखा। दूसरा जो व्यक्ति आया, कुष्ठ रोग व्यक्ति आया, कौन सा आया, कुष्ठ रोग।
यानी कुष्ठ रोग से वो मतलब परेशान था कि वो कैसे इस कुष्ठ रोग को दूर करो और उससे परेशान हो रखा था, तो उसको देखकर ही बड़े विचलित हुए। तीसरा व्यक्ति आया, आरती आई। आरती यानी मतलब आरती से क्या हुआ कि मर गए, मतलब इंसान तो उसके आरती लेकर जा रहे थे, ये क्यों मरा कि बीमारी से मरा, दुखी होकर मरा, तो वो आरती को देखा। और चौथा कौन था, साधु जो तपस्या कर रहा था। साधु जो क्या कर रहा था, साधु क्या कर रहा था, तपस्या कर रहा था। उसको देखकर उसका जीवन चेंज हो गया और उसने क्या करा, अपना गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करके और त्याग करके इस त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महाभी निष्क्रमण। महाभी निष्क्रमण यानी निष्क्रमण यानी निष्कासन कर दिया, घर से निष्कासन हो गया उसका, निकल गया वो, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखना, आपको निष्कासन से याद रखना कि क्या हो गया, महाभी निष्क्रमण कहा गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये याद रखना, 29वीं वर्ष में उसने अपना ग्रह का त्याग कर दिया, ठीक है। 6 वर्ष तक उसने अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल पीपल जिसे वट भी कहते हैं, वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी अगर एग्जाम आ जाए कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है, तो ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल के वृक्ष पर। अगर आप यानी एग्जाम में पूछ सकते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, और नदी अगर पूछे तो निरंजना नदी, पुनपुन नदी भी बोलते हैं, कि तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध, यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको क्या होगा, उसका नाम क्या पड़ेगा, गौतम बुद्ध पड़ेगा, ठीक है ना। अगर अपन कहे कि इसको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो अपन कह सकते हैं उरुवेला। उरुवेला जो जगह है बोध गया में, उरुवेला जो जगह है बोध गया में, ठीक है, बोध गया में जगह है, वहां पर इसको ज्ञान प्राप्ति हुई है। बोध गया बिहार के अंदर है, उरुवेला जगह बोध बिहार के अंदर है, ठीक है। अगर बोध गया आ जाए तो भी लगा देना निशान, और उरुवेला आ जाए तो भी आपको लगाना है, ठीक है। उरुवेला से वो कहां पर चले गए, देखो इसका ज्ञान प्राप्ति के बाद इसका नाम क्या पड़ गया, गौतम बुद्ध, ठीक है। अब उरुवेला से वो कहां गए, सारनाथ। सारनाथ जाने के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, ठीक है, पहला उपदेश दिया 5 सन्यासी ब्राह्मण को प्रथम उपदेश दिया। यानी अगर कहे कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो वो कहाँ दिया, सारनाथ। सारनाथ पर पहला उपदेश दिया। देखो इसको ट्रिक से अगर याद करो तो यानी पूरे सार से पूरा सार बताया जीवन जीने का, कैसे लोगों की मदद करना, कैसे उन ब्राह्मण सन्यासियों को, ठीक है ना, उन ब्राह्मण सन्यासी को पूरा सार बताया। तो ऐसे याद रखना, सार कहाँ बताया, सारनाथ में, ठीक है। उपदेश का पूरा सार क्या बताया, सारनाथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, इस उपदेश को किस नाम से जाना गया है, इस उपदेश जो बौद्ध ग्रंथों में जो नाम से जाना गया वो किस नाम से जाना गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लेना उसको, चारों दिशाओं के जो भी ज्ञान है उनको दिया तो चक्र बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रख लेना, उन 5 ब्राह्मण को चारों दिशाओं में ज्ञान दिया, इसलिए चक्र प्रवर्तन नाम से जाना गया, ठीक है। आगे समझ में, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव यानी जो उनका अंतिम समय आया, अंतिम पड़ाव कहाँ पर आया, नदी का नाम है हिरण्यवती। नदी के तट पर किस जगह, ये इम्पोर्टेंट है, जगह इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना, कुशीनगर। यानी कुशीनगर आप याद कर सकते हैं, उनकी जो मृत्यु हुई खुशी खुशी से मृत्यु हुई, मतलब वो खुश होते होकर गए, ऐसे याद कर लेना। जगह के नाम भी कुशीनगर है, ठीक है ना। वैसे सभी दुखे हुए इतने बड़े जो ज्ञानी थे और उपदेश देते थे, लोगों की मदद करते थे, ठीक है ना। तो जहां पर 1483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व यानी 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। अगर कह सकते हैं अपने 35 की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है। 29 के वर्ष में उन्होंने क्या करा, घर छोड़ा अपना, ठीक है ना। तो आगे समझ में आपको,
29 की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया अपना और 35 की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्ति और 80 की उम्र में उनको कि उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक तो कुशीनगर इस जगह याद रखना है और दूसरा क्या है इस बोध परंपरा को जहां उनकी मृत्यु हुई इस परंपरा को क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण कहा गया, ये ध्यान रखना है। निर्वाण जो होता है जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो सिद्ध व्यक्ति होता है उसको निर्वाण ही बोलते हैं जब उनकी मृत्यु होती है। ठीक है ना, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना, इनका जन्म क्या हुआ 563 ईसा पूर्व में हुआ, तो ईसा पूर्व में क्या होता है उल्टा चलता है, तो ये ध्यान रखना 563 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई, तो इसमें क्या होता है उल्टा चलता है गिनती, और जब ईसवी होती है वो सीधी चलती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ईसा पूर्व उल्टा ही चलता है। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत के बारे में अपन देख लेते हैं, इनमें से भी क्वेश्चन पुट अप होता है। ठीक है ना, बौद्ध धर्म के मूलाधार चार आर्य सत्य हैं, ये ध्यान रखना ये पूछेंगे, चार आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के मूलाधार क्या है, चार आर्य सत्य हैं। अब चार आर्य क्या थे, पहला है दुख। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं तो दुख कौन है और दुख समुदाय कौन सा है। ठीक है, दुख समुदाय, दुख निरोध यानी उसका निवारण क्या है। ठीक है, दुख निरोध गामनी यानी उसका रास्ता कौन सा है, मार्ग कौन सा है, तो ये दुख निरोध मार्ग कहलाता है दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। ठीक है, इसको अष्टांगिक भी बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग, जिससे इस मार्ग पर जाना चाहिए जिससे आपका दुख का निवारण हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें चार ध्यान रखना, दुख समुदाय, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। ठीक है, दुख से स्टार्ट हुआ, पहला एक शब्द लिया दुख, दूसरा लिखा दुख समुदाय करा उसको, फिर दुख निरोध करा निवारण के लिए कि क्या निवारण होना चाहिए और उसका रास्ता बता दिया दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, उसको अपन लास्ट वाले को अपन क्या बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग भी बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में, ठीक है ना, दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले, तृष्णा का नाश करने वाले को क्या बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, यानी जो दुख को हल लेता है यानी दुख को दूर कर देता है, दुख हरना मतलब दुख को दूर कर देता, तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग का। ठीक है, और उसको और नाम से जानते हैं जिन्हें मध्यम पद प्रतिपदा और मध्यम मार्ग, ये इंपॉर्टेंट है, मध्यम मार्ग ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना, मध्यम मार्ग दुख को हरने वाला क्या होता है, कौन सा मार्ग है, मध्यम मार्ग। ठीक है, ये ध्यान रखना, अष्टांगिक मार्ग को क्या बोला गया, मध्यम मार्ग भी बोला और मध्यम प्रतिपदा भी बोला गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है अष्टिम मार्ग का ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, यही मेन इम्पोर्टेंट, ये नहीं जितने जितना अष्टांगिक मार्ग का है। ठीक है, जिसे मध्यम मार्ग भी बोला गया। इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है, बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है, बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है, तो ऑप्शन में था मध्यम मार्ग। ठीक है, तो ये याद रख लेना, एग्जाम में आया हुआ है, या तो आपको अष्टांगिक मार्ग दिखेगा या मध्यम मार्ग दिखेगा। ठीक है ना, तो इसमें हो सकता है ऐसे चार ऑप्शन हो जाए, प्रथम मार्ग, मध्यम मार्ग, द्वितीय मार्ग, चौथा मार्ग, ऐसे लिखा हुआ आ जाए, तो आपको क्या लगाना है, मध्यम मार्ग लगाना है, या उसमें ऑप्शन में अष्टांगिक मार्ग लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो सबसे सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, अष्टांगिक मार्ग, जो दुख का निवारण कर देता है, हर लेता है, दुख को हटा देता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मध्यम मार्ग। आगे समझ में, कुछ इंपोर्टेंट बातें अगर अपन वापस थोड़ी सी रिपीट करें तो मैं आपको बता दूं, अगर अगर अपन को देखे कि जन्म कहां पर हुआ है, जन्म उनका कहां, लुम्बिनी वन बोल दो आप, लुम्बिनी वन भी बोल सकते हैं, नेपाल के अंदर है लुम्बिनी वन। ठीक है, लुम्बिनी वन ये बोल सकते हो आप। दूसरा अपन कह सकते हैं कि नहीं, ग्रह त्याग नहीं, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति अगर देखे अपन तो ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई है उनको, उरुवेला। ठीक है, उरुवेला कहां पर है, ये बोध गया। ठीक है, बोध गया जगह पर है,
बोध गया, ठीक है, बिहार के अंदर है ये उरुवेला बोध गया, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर तीसरा पॉइंट अगर अपन देखे, तीसरा पॉइंट अपन प्रथम उपदेश कहां पर दिया उसने, सार प्रथम उपदेश अगर अपन देखे तो कहां दिया उन्होंने, सारनाथ। ऐसे ट्रिक बताई थी मैंने, सार करके पूरा सार बताया उन्होंने, इसलिए सारनाथ। ये यूपी के अंदर है, वाराणसी के अंदर है सारनाथ, ठीक है। अगर चौथी बात अगर अपन इंपोर्टेंट देखे हैं तो चौथी बात इसमें इंपोर्टेंट है, उनकी मृत्यु कहां पर हुई, महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ, है ना, अपन कह सकते हैं मृत्यु कहां पर हुई उनकी, मृत्यु उनकी कहां हुई, कुशीनगर में हुई। कुशीनगर अगर अपन देखे तो वो कहां पर है, कुशीनगर काशी में, कैसे कुशीनगर काशी, ठीक है, यूपी के अंदर ही है कुशीनगर में। उसको क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण बोला गया है, इन मृत्यु को क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण बोला गया है, ठीक है। और अगर अपन देखे कि सर्वाधिक उपदेश कहां दिए गए थे, अगर अपन देखे सर्वाधिक उपदेश कहां दिए गए थे, सर्वाधिक उपदेश देखे अपन तो वो दिया था उन्होंने श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे, श्रावस्ती, अगर याद करने का तरीका देखना है तो आप ये से लगना वो बस्ती याद कर लेना, श्रावस्ती नाम है वैसे तो उसका, तो कैसे याद करोगे, जगह ना बहुत सारी बस्तियों में उपदेश दिए, इसलिए सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में हुए, यूपी में है ये जगह, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट देख लेते, अगर उनका निवास स्थान देखे, निवास स्थान या कहाँ रहते थे, तो वो रहते थे वेलुवन। जन्म तो उनका लुम्बिनी में हुआ, पर अगर निवास स्थान देखे तो कहाँ हुआ, वेलुवन। निवास स्थान 6 नंबर का है, निवास स्थान 6 नंबर यहाँ लिख देता हूँ। निवास स्थान अगर देखे अपन इनका, निवास स्थान तो वो कहाँ पर है इनका, वेलुवन में है, वेलुवन। गौतम बुद्ध की बोध संगीतियां देख लेते, कहां कहां उनका उपदेश चला, किस जगह पर क्या था, कौन शासक था, कौन अध्यक्ष था, कब दिया उन्होंने, किस जगह पर दिया, वो सारा अपन मालूम कर लेते हैं। जो प्रथम बोध संगति थी, ठीक है, वो उसका स्थान था राजग्रह, ठीक है, स्थान क्या था, राजग्रह, जिसे सप्तपणी गुफा के नाम से भी जानते हैं, सप्तपणी गुफा थी वहां पर, तो वो स्थान कौन सा हो गया, राजग्रह। समय कौन सा था, 483 ईसा पूर्व उनका समय था। तो 483 ईसा पूर्व में उस समय अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था, और शासन काल किसका चल रहा था, किस शासन, कौन शासन संभाल रहा था उस समय, अजात शत्रु हरियंक वंश का था, ठीक है, अजात शत्रु हरियंक वंश का था। उद्देश्य क्या था, बुद्ध के उद्देश्य को दो पिटकों यानी विनय पिटक और सूत पिटक में डिवाइड कर दिया था, ठीक है ना, विनय पिटक और सूत पिटक में, यानी उपदेशों को दो पिटकों में डिवाइड करा, विनय पिटक और सूत पिटक, ठीक है ना। अजात शत्रु का शासन काल चल रहा था उस समय, ठीक है, 483 महाकश्यप अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, ठीक है, राजग्रह। अगर दूसरी अपन संगीतियां देखे, दूसरी संगीति कौन सी थी, कहां पर था, दूसरी संगीति अपन देख सकते हैं वैशाली के अंदर, स्थान कौन सा था, वैशाली, ठीक है। समय क्या था, 383 यानी सीधा सीधा 100 वर्ष कम हो गए, ठीक है, 383 ईसा पूर्व, ठीक है। अध्यक्ष कौन था उस समय, साबक मीर, ठीक है, साबक मीर अध्यक्ष था, ठीक है। शासन काल का किसका था, कालाशोक, ठीक है, कालाशोक, और इसको अपन शिशुनाग वंश के नाम से, वंश कौन सा था, शिशुनाग वंश, ठीक है। उद्देश्य क्या था, अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थावीर वह महासंघवीर दो भागों में बट गया, ठीक है। अगर अपन जाने तो अपन कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी संगति है जिसमें बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ, फूट पड़ी बौद्ध धर्म के में फूट पड़ी, तो वो एक तो द्वितीय था और एक चतुर्थ था, चौथा था, चार ही संगीतियां थी, द्वितीय और चतुर्थ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मतभेद थे,
इसमें मतभेद थे तो मतभेद के कारण इनका समाधान निकालने के लिए दो भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, बौद्धों को, एक तो स्थावीर और महासंघवी, ठीक है, महासंघवी दो भागों में डिवाइड कर दिया। हेलो, अगर तृतीय देखे संगीत तो स्थान कहाँ था, पाटलिपुत्र, ठीक है, समय कौन सा 251 ईसा पूर्व, अध्यक्ष कौन है, ठीक है, पाटलिपुत्र और अध्यक्ष क्या होता, मोगाली पुत्र तिस्म, मोगाली पुत्र तिस्म, शासन काल के तक किसका था, अशोक का, मौर्य वंश के थे अशोक, उद्देश्य क्या था, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म का स्थायित्व प्रदान करना, यानी उसका स्थायित्व प्रदान करना था, है ना, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम कठोर बनाए उन्होंने कि इनका नियम का पालन करना ही करना है। इसका देखो अशोक कितना, मतलब इनके लिए बौद्ध धर्म के लिए कितना मानता था उनको, बुद्ध भगवान बुद्ध को, तो उनके जो था इनको स्थायित्व प्रदान करना का प्रयत्न किया, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं कि स्थान कौन सा था, पाटलिपुत्र था, समय कौन सा था, 251 ईसा पूर्व, अध्यक्ष कौन था, मोगाली पुत्र तिस्म, ठीक है, और अशासन काल किसका था, अशोक मौर्य वंश का, ठीक है। चौथा लास्ट का देख लेते हैं, चौथा संगीत देख लेते हैं अपन, बौद्ध संगीत, चलिए इसमें देखते हैं। ब्रह्म ग्रंथों का एक और पॉइंट रह गया इसमें, ब्रह्म ग्रंथों का अंतिम रूप में संपादन किया और तीसरा पिटक अधिधम पिटक जोड़ा गया। देखो दो पिटक तो शुरुआत में जोड़े थे, है ना, प्रथम संगीत में जोड़े थे, बौद्ध की संगीत में प्रथम में जोड़े थे, और तीसरा पिटक तीसरे वाले में ही बौद्ध संस्कृति से तीसरे में जोड़ा था, अधिधम पिटक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता ही है, अभिधम पिटक जो किसमें तीसरा पिटक था, जो किसमें बौद्ध संगीत के तीसरे में जोड़ा था, आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं चौथा पिटक का अपन, चतुर्थ बौद्ध संगीत में चतुर्थ स्थान कौन था, कश्मीर के कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन जगत थी, समय लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी, यानी समय अपन कह सकते प्रथम शताब्दी, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, वासुमित्र था, और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे उनके, ठीक है। शासन काल किसका था, कनिष्क था, और कुषाण वंश के थे, कनिष्क कुषाण वंश के थे, ठीक है। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यहाँ पर भी कुछ मतभेद हुए थे, इसलिए दो संप्रदाय में बढ़ गए, हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। अगर अपन हीनयान की बात करें, हीनयान का अपन कह सकते हैं, जिन लोगों ने बौद्ध धर्म के उपदेशों को बिना बदले, बिना परिवर्तन करे हुए मान लिए, वो कौन कहलाए, हीनयान कहलाए। और महायान कौन कहलाए, कि वो लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म के कठोर नियमों को बदल दिया, अपने अनुसार बदल दिया, उससे क्या किस नाम से जाना गया, महायान, ठीक है ना। तो इस तरह से इनमें भी क्या हुआ कि यहाँ पर भी बहुत मतभेद हुए, इसलिए दो संप्रदाय हीनयान और महायान बढ़ गया, यानी प्रथम सॉरी द्वितीय वाले संगीत में और चतुर्थ संगीत में इनमें क्या हुई, फूट पड़ी थी, जो बट गए थे, ठीक है। अब देखो प्रथम और द्वितीय में ऐसे कोई फूट नहीं पड़ी, तभी तो तीसरा पिटक बन गया, तभी तो तीसरा पिटक महा अभिधम, वो नियम उनके अपनाए उसमें, तो तीसरा दो पिटक बने और तीसरा पिटक और नियम अपना लिए इसने अशोक ने, और पिटक बना दिया, अशोक ही था ना, अशोक ने, हाँ अशोक तो बड़ा अनुयायी था, समझ गए ना। यानी ये बौद्ध धर्म को अपनाने वाली बात है, उसके रूल्स और रेगुलेशन पर चलने वाले बात है, उसको कहते हैं संगीत, ठीक है ना, बहुत संगीत। अब याद कैसे करें, पॉइंट चारों संगीत को याद कैसे करें, कौन कौन अध्यक्ष थे, तो सबसे पहले अध्यक्ष की है ना ट्रिक बनाते हैं। देखो याद करने का तरीका यही है कि विभाजन करना पड़ेगा आपको, कौन कौन पहले स्थान कौन सा था। अब देखो अभी देख रहे, अगर पीछे जाए तो अपना, अगर मैं स्थान की ट्रिक बनाऊ, स्थान की जो है पहले तो राजग्रह था, ठीक है, राजग्रह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन, ठीक है,
लोग ऐसे मना लेना, राज किया वैशाली ने, राज किया वैशाली ने पाटलिपुत्र के साथ, ठीक है, राज किया वैशाली ने पाटलिपुत्र के साथ कुंडल वन में, ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना। ये होगी ट्रिक स्थल की, ठीक है। अध्यक्ष की महाकश्यप सबक मीर महाकश्यप सबक मीर मोगली पुत्र, मोगाली पुत्र इसमें, वासों में तो अशुघोष, बौद्ध की पवित्र दिशा भी पता नहीं, पवित्र दिशा किस दिशा को अच्छा मानते तो दक्षिण, दक्षिण दिशा, और बौद्ध धर्म की मतलब जो कौन सी भाषा यूज करी गई थी प्रचार में वो भी पता होना चाहिए, पाली ये भी लिखवाया पहले, ये भी लिखवाया पहले पाली हो जाए कवर अच्छा हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट वाले में कंप्लीट कर देंगे बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म ले लेंगे। महाजनपद तो लिया ही नहीं अपन ने, इससे पहले महाजनपद था, महाजनपद बाद में ले लेंगे, बौद्ध धर्म जैन धर्म देखना पड़ेगा, महाजनपद पूरा अच्छी तरह से। टीका मिला नहीं अच्छी तरह से, इसलिए मैंने धार्मिक आंदोलन ले लिए, धार्मिक आंदोलन बौद्ध धर्म जैन धर्म सारे धार्मिक आंदोलन में आते हैं। मौर्य काल भी है, उसके बाद मौर्य काल, मौर्य काल, ये सारे प्राचीन मान्य था, गुप्त काल, गुप्त काल, उत्तर भारत का। अच्छा फिश आज वीडियो डल जाएगा ये, है ना। एक काम तो ऐसा करना, एक तो साइंस का डाल दो, एक याला डाल दो, ठीक है ना, इसका तो वो निर्णय कर दो, और यूट्यूब में उसका वो डालना है साइंस करना, तो कोई और को भी साथ दे दो, उसको बता दे तो। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है, थैंक यू।